नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेन बड़े बड़े दो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो हम ये बताना चाहते हैं कि स्मॉल कैप का अगर पोर्टफोलियो होता है, स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है और कितने ज़बरदस्त रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। सेकंड नंबर पे हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं कि आप 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहते हैं तो क्या उसमें कितने स्मॉल कैप रहने चाहिए और एक्चुअल में वो 1.5 करोड़ हमारे किस काम के हैं। अब आप कहोगे भाई किस काम के हैं? हाँ, रीज़न क्योंकि जब इन्फ्लेशन लग जाता है ना तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी और इन दी एंड आप कितने अपने सपने पूरे कर पाएंगे, कितना कंफर्टेबली रिटायर हो पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको अच्छी अच्छी बातें सुनना बहुत पसंद है। रीज़न क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है म्यूचुअल फंड पे, जब 40 साल का टाइम ले लिया जाता है कि 40 साल में 1.5 करोड़ हो जाएगा, 40 साल में बंदा बचेगा? 25-30 साल में तो बंदा इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, 30 साल के बाद आप 40 साल कह रहे हो, 70 साल में वो जाके निकालेगा, बचेगा क्या? तो सबसे बड़ा बढ़िया टाइम मैं लेके जो चलता हूँ वो ये है कि अगर आप 25-30 साल में शुरू कर रहे हैं, 15 से 20 साल के बीच अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो 45 से 50 का टाइम है कि आपने रिटायरमेंट ले ली और पैसा आपके पास है। और नहीं भी ली, आप 60 में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो भी एटलीस्ट उस पैसे को आप लास्ट के उन 10 ईयर्स में बहुत अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने गोल्स के लिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है तो शायद इस वीडियो में आपको वो चीज़ ना मिले, क्योंकि इस वीडियो में हम देने वाले हैं रियलिटी चेक कि आपको एटलीस्ट कितना पैसा एक्चुअल में बन के मिलने वाला है और आपको क्या क्या कितना कितना पैसा डालना पड़ेगा 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, सर माय इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड प्लीज़ एडवाइज राइट और रॉन्ग और एनी चेंजेस नीडेड। क्वांट स्मॉल कैप 60,000 डाल दिया वन टाइम, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 रुपये डाल दिया। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 10,000 रुपये डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 30,000 रुपये की यहाँ से, 1,000 रुपये की यहाँ से, 1,000 रुपये की यहाँ से। अब एक चीज़ देखिए, 3 SIP चल रही हैं, 3 SIP चल रही हैं, ठीक है। और 3 SIP कहाँ चल रही हैं? एक चल रही है एक्सिस के स्मॉल कैप में, एक HDFC में, एक निपोन में, ठीक है। अब रिसेंसी बाइस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कि भाई जो अभी रिसेंट में फंड चल रहे हैं वो ले लिए, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये अभी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो अभी चल रहे हैं, इनका एवरेज जो भी निकले छोड़ो उस चीज़ को एक बार के लिए। लेकिन यहाँ बाकी फिर उसके बाद पैसा 10,000 इधर और 10,000 ही इधर, लेकिन उससे भी 3 गुना पैसा, इन दोनों का पैसा मिला दूँ तो उससे 3 गुना पैसा फिर से क्वांट के स्मॉल कैप में पैसा, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा खराब क्यों बनने वाला है, उसका रीज़न देख लेते हैं। पहली बात तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसी आ जाती है क्वांट स्मॉल कैप पे, ठीक है। शुरू के समय में 1-2 साल में जो क्वांट स्मॉल कैप रिटर्न देगा वो इस पोर्टफोलियो का रिटर्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलो भाई ये बाकी फंड भी कैचअप कर लेंगे 3-4 साल बाद कि इनमें भी अच्छा खासा पैसा होगा और ये फिर बराबर ही खड़े होंगे। निपोन तो 2 साल में ही पहुँच जाएगा इसके पास, लेकिन उसके बाद इस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसा दिख सकता है? स्मॉल कैप बकेट जो हमने बनाई थी, पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 32% रिटर्न, 26% रिटर्न, 22% रिटर्न। अब आप कहोगे यार बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, ठीक है, 32% लास्ट 1 ईयर में मिले हुए हैं। एक बार ऊपर नज़र डाल लो हमारे एग्रेसिव पोर्टफोलियो पे, इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो पे रिटर्न डाल लो। चलो ये तो मेरा भी पोर्टफोलियो नहीं है, उधर तो मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ ना, इधर तो मैं प्रमोशन भी नहीं कर रहा अपना, ये लो इंडेक्स फंड, ठीक है। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, बिफोर रिटायरमेंट, इसमें तो इक्विटी का एक्सपोजर कितना कम है, ये 25 पे खड़ा है। एग्रेसिव लमसम 36% पे है हमारा, ठीक है। हमारा सेकंड एग्रेसिव देखोगे तो 42% है और इससे कंपेयर कर लोग तो ये लास्ट, चलो ठीक है, यहाँ पे ये आगे निकल गया 26 में। 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, 3 ईयर्स की बात, तो ये एग्रेसिव लमसम को भी नहीं बीट कर पा रहा और किसी भी पोर्टफोलियो को ये बीट नहीं कर पा रहा। क्यों भाई? इसमें तो सारे के सारे स्मॉल कैप हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल कैप होने से आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनने वाला। अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। स्मॉल कैप कंपनी यार सोचो तो सही, छोटी क्यों है वो, उसको स्मॉल क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो एक छोटी कंपनी है, 250 कंपनियाँ हैं, 250 कंपनी में से 4 कंपनियाँ कल को बंद भी हो जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा आपको और आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक इस तरह का पोर्टफोलियो, ये देखो यहाँ थोड़ा सा ये ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी में 1,500 रुपये डल रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ठीक है, ये एक तरह से लार्ज कैप हो गया, ठीक है,
और ये मिड कैप हो गया, फिर से ये मल्टी कैप हो गया, ये स्मॉल कैप हो गया, यहाँ कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इस फंड का ज़्यादा मैटर नहीं करता, ना भी डालें तो ठीक है, 500 रुपये आप स्मॉल कैप में या मल्टी कैप में या मिड कैप में एक्स्ट्रा डाल दें, या टाटा स्मॉल कैप के, मतलब इतना ना डालें। ठीक है, और इसमें भी अभी मतलब मिनिमम 1000 रुपीज़ तो किसी ना किसी फंड में डालें ही डालें अगर आप 4-5 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला दोगे रिटर्न का कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कोई कल को रिटर्न दे भी जाएगा ना, मान लो टाटा स्मॉल कैप भी दे गया, तो 500 रुपये का क्या करोगे रिटर्न का? इससे अच्छा रिसर्च अच्छी करो और थोड़ा सा नैरो डाउन करो अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, अब इस पोर्टफोलियो को हमने पहले भी रिव्यू किया था, लेकिन पहले हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। मैं इस लाइन को बोल के मैंने बोला था कि ये पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये पोर्टफोलियो कितना सही है, और उन लोगों के लिए आपको अगर मैं इसके सेक्टर्स की बात करूं कि आप मस्त मस्त सेक्टर्स हैं इसके अंदर और कितना एक्सपोजर है सेक्टर्स का, हर चीज़ के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक बार नीचे, ये थोड़ा सा अभी स्किप करते हैं क्योंकि आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है, या पहले रियलिटी चेक ही दे देते हैं, चलो छोड़ो। अब ये पोर्टफोलियो जितने का भी है, 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो है, ठीक है, 3,000 रुपये ये इसमें डाल रहे हैं, सपोज़ कीजिए अभी 12% रिटर्न मिलते हैं, रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए कितना भी मिले। इनका पोर्टफोलियो, इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 36 लाख, ठीक है, इनको मिला 1.5 करोड़, कितने समय में भाई, 20 साल में 1.5 करोड़ रुपये मिल गया, क्या बात है, क्लैपिंग। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन एक्चुअल में इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया 36 लाख, इनको एक्चुअल में वेल्थ गेन हुई 33 लाख ही। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर आप 6% भी लगाओगे तो उस चीज़ की वैल्यू 70 लाख रुपए हो जाएगी। अगर इसको हम थोड़ा सा 4% भी कर दूं, 3% भी कर दूं, तो भी ये रफली 1 CR का पोर्टफोलियो ही बनेगा। और आप लोग क्या देखते हैं, 4-4 करोड़ के पोर्टफोलियो, 5-5 करोड़, हमारे पास मज़ा आ जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, उस 2 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ बच जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं, 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 70 लाख रुपए पे दिखा रहा है तो रफली आधा लगा लो, आप जितना भी एक्यूमुलेट करेंगे 20 साल बाद उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 करोड़ में, तो आज के हिसाब से अगर आप किसी चीज़ पे 15 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, 20 साल बाद शायद वो डबल हो जाए, तो 30 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये है भाई रियलिटी चेक। ठीक है, 30 ईयर्स, अगर मान लीजिए आप 25 साल तक भी, बहुत लोग रुक जाते हैं, 25 साल में एक्चुअल 1 करोड़ रुपये इकट्ठा होगा अगर 6% इन्फ्लेशन लगाऊं, 6 से कम भी लगा सकते हैं, इतना लॉन्ग टर्म में कई बार थोड़ा कम भी जाएगा, ज़्यादा भी जाएगा, एवरेज अगर 6 आ गया तो गलत है, लेकिन अगर एवरेज 4 आ गया तो ये 1-1.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। रिटायरमेंट में और बहुत सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टिल आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस पोर्टफोलियो में 5 ही फंड थे, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपोन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सीज, SBI मैग्नम, टाटा स्मॉल कैप, टोटल 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा 32% रफली पैसा, 32% पैसा किस में है, लार्ज कैप में, और 44% मिड कैप में, और 23 स्मॉल कैप में है। ये थोड़ा सा ना रिस्की, हल्का सा मतलब रिस्क का तड़का इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ग्रोथ स्टाइल है, चलो यहाँ पे मेनली पैसा इंडिया में है, 5-10% इधर होगा। सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को माइनस भी करूँगा तो भी रफली 6% से कम का आएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर हमें ऊपर मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, केमिकल में 7% रफली 7% का एक्सपोजर मिल रहा है, ये अच्छा एक्सपोजर है। ठीक है, सेक्टर्स का HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जियो फाइनेंशियल, परसिस्टेंस, जोमैटो, कॉफ्रेज, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो अच्छी अच्छी हैं। और सबसे बड़ी कंपनी ये दीपक नाइट्रेट हमें देखने को जो नहीं मिलती थी, हम बहुत समय से आपको बोल रहे थे कि भाई देख लो, ये एक अच्छी कंपनी है, और आज ये टॉप में है म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इन फ्यूचर ज़रूर बात करेंगे। अभी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में।